इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार ने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी और बीजेपी सरकार ने भी जो है अभी तक जो है कोई इस तरह का हमें कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ से। मंत्रियों से मिले हैं, खट्टर से भी हमें मिले, उड्डा से भी मिले हैं, नायब सैनी से भी हमने मुलाकात की है, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन इसका हुआ नहीं है। कि कोर्ट बोलता है कि गेट नंबर 2 से, मारुति के गेट नंबर 2 से आप जो है 500 मीटर दूरी पे बैठ सकते हो, अपना धरना लगा सकते हो, लेकिन पुलिस जो हमें 7 किलोमीटर पहले रोक देती है, बोलती है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन हम आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है धारा 144 लगी हुई है। नमस्कार, चंचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और मैं हूँ इस वक्त गुड़गांव के मानेसर में, और मानेसर में प्रोटेस्ट चल रहा है मारुति सुजुकी वर्कर्स का। 12 साल से यह आंदोलन चल रहा है जिसमें मारुति के वर्कर्स, परमानेंट स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ अपनी जो बर्खास्तगी, उनको जो सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया था, उसको दोबारा से नौकरी पे लेने की डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। साल 2012 में जो मारुति सुजुकी में जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद से कई जो कर्मचारी थे, परमानेंट कर्मचारी 546 को टर्मिनेट कर दिया गया। अब लगभग 12 साल तक ये सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह में जाकर सरकारों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना जा रहा। एक बार फिर अब जब विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो इस दौर में फिर से मारुति कर्मचारी जो है मारुति सुजुकी स्ट्रगल कमेटी के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें जो परमानेंट स्टाफ है अलग अलग जगहों से आकर अपना समर्थन दे रहे हैं। मेरा नाम खुशीराम है। 2012 के बाद में जैसे ये घटना घटी, टाइम पे जो मारुति के जो वर्कर हैं उनके खिलाफ में जिस तरह का कैंपेन चलाया गया, मीडिया के माध्यम से हो या फिर मैनेजमेंट के माध्यम से हो, किस तरह का चलाया गया कि ये आतंकवादी थे, ये कोई मजदूर थे नहीं। जो भी मारुति के ड्रेस में कोई भी साथी मिल जाता था तो उसको उठा के जेल में डाल देते थे तुरंत ही, और 302 का मुकदमा लगता था। उस टाइम पे जो है काफी दमन था सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से, पुलिस के द्वारा काफी दमन हमारे ऊपर हुआ, और उसी दमन को झेलते हुए हमारी यूनियन जेल में चली गई थी, सब हम बिखराव में चले गए थे, कोई भी हमारा संगठन बचा नहीं था। तो दोबारा से पहले तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये था कि कैसे हम संगठित हों। तो हमारे ऊपर टैग ऐसा लगा दिया गया था इंडस्ट्रियल एरिया में कि अगर वहां पे जाके रेज्यूमे में अगर वो देख रहे थे कि हाँ ये वहां से आया हुआ है मानेसर प्लांट से, तो डायरेक्ट हमसे ये बोलते थे कि आपने वहाँ पे एक मैनेजर को मार दिया है, आप वहाँ पे गलत करके आए हो, तो यहाँ पे हम आपको बैठने तक नहीं देंगे। तो उसी टाइम हमको गेट पास देके इंटरव्यू से बाहर कर देते। एक हिस्सा जो है भाग रहा पुलिस से, एक हिस्सा जो पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, और एक हिस्से को जो है लगभग 28 दिन के बाद में 16 अगस्त को कंपनी ने कुछ वर्कर को कंपनी में काम पे बुला लिया, और 546 जो स्थायी मजदूरों को एक कलम से बाहर निकाल दिया बिना किसी जांच के, पिसा के, बिना किसी इंक्वायरी के। और इसके साथ में जो हमारे साथी जो जेल में डाले गए उनकी भी कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। 55 वर्कर की एफआईआर हुई थी, लेकिन 148 को एक ही साथ में जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता क्या झगड़ा था, क्या था, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी 12 साल हो गए अभी तक, तो हमने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, अब तीसरी बार फिर बीजेपी आई हरियाणा में, और सरकार के पास हम गए भी हैं। पिछली एक दो मीटिंग उन्होंने हमारी लेबर डिपार्टमेंट के साथ हुई भी है, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया हम आपका करवाएंगे, पर आज तक कुछ हुआ नहीं, आश्वासन हर बार दिया गया। जैसे RS हुड्डा है, राजेंद्र पाठक है, उसके अलावा वृंदा करोर है, रेबेका जोन है, राजेंद्र सिंह चीमा है, RS पेंस है, इस तरह के जो एक जो वकील थे वो भी हमारे कुछ सपोर्ट में आए, कुछ यूनियनें भी हमारे सपोर्ट में आई। उसके बाद में जो है हमने पूरे हरियाणा के अंदर साइकिल यात्राएं निकाली ये साबित करने के लिए कि हम निर्दोष हैं, हम दोषी नहीं हैं। उधर से हरियाणा सरकार ने एक SIT टीम बिठाया, SIT टीम ने जांच किया, और उस जांच के अंदर ये पाया गया कि 426 वर्कर तो निर्दोष है, जिनको काम पे वापस नहीं लिया गया आज तक। जो साथी जेल में थे वो जो पूरा प्रोसेस जो चला उसमें जो है हमने लगातार बेद जमानत के लिए अप्लाई किया, जमानत किसी को मिली नहीं। लगभग जो है 3.5 साल के बाद में जो है कुछ साथियों को जमानत मिलाना शुरू हुआ। हमारी साइकिल यात्रा को ना एक जगह पे पुलिस द्वारा रोक लिया गया और सबको जबरदस्ती कंटेनर में उठा के विद साइकिल और कंटेनर में डाल दिया गया, और आउट ऑफ हरियाणा हमें राजस्थान साइड कहीं भी छोड़ दिया गया। कैथल से जंतर मंतर तक हम पैदल मार्च करते हुए आए। इसके अलावा हमने अलग अलग मजदूर सभाएं की, और साथ में 19 मई 2013 को हमने जो कैथल के अंदर हमारा 2 महीने से धरना चल रहा था, जैसे इधर में बैठे हुए हैं ऐसे वहां पे धरना चला हुआ था, और उस धरने को
खत्म करने के लिए वहां का जो उद्योग मंत्री था रणदीप सिंह सुरजेवाला 18 तारीख को हमारे 95 वर्कर को धरने से उठवा के और जेल में डलवा दिया 144 का हवाला देते हुए। और 19 मई 2013 को जो है वहां पे हमारे जो आंदोलन के साथ में वहां पे गांव के लोग हैं और मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, काफी लोग हमारे साथ में जुड़े, लगभग 5000 लोग वहां पे इकट्ठा हुए और वहां पे जो है शाम के टाइम पे लाठीचार्ज करवाया गया, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जेंट्सों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उसमें हमारे जो साथ में जो बड़े बुजुर्ग गए थे उनके वो लाठी मारी गई और हमारे ऊपर ही मुकदमा बना दिया गया 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा हमारे ऊपर बना दिया गया। और उसमें हमारे जो है 13-14 साथी जो है 3 महीने के बाद में जमानत से निकलते हैं और जो 95 वर्कर थे उनके ऊपर जो केस बना दिया गया वो भी धीरे धीरे निकलते हैं। हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं था, वो साइकिल को छोड़ के आ नहीं सकते थे और ना ही किसी व्हीकल में ला सकते थे, तो उसी के ऊपर बैठ के हम दोबारा वापस अपने घर पहुंचे। जब जो 2 दिन लगे 3 दिन लगे या 1 दिन लगा जो भी हमारा लगा उस टाइम पे। 4 जून को जो है पहले जो हड़ताल होती है वो इसलिए होती है कि हमारे ऊपर काफी दमन था, वहां पे हमारे को पैसे ठीक नहीं मिल रहे थे और मैनेजमेंट ने क्या किया था, जब हमने यूनियन बनाने का प्रोसेस शुरू किया तो मैनेजमेंट को कहीं से पता चल गया और मैनेजमेंट ने हमारे से जबरदस्ती साइन करवाना शुरू किया और ये लिखा हुआ था उसके अंदर उस पेपर के ऊपर कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें यूनियन का जरूरत नहीं है, हमारे प्लांट में कमेटी है और उसके ऊपर हमें साइन करना था। कंपनी की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुआ, हुआ भी ये था कंपनी अप्रूवल के लिए खुद कोर्ट में गई थी। अगर हम इतने बंदों को निकाल रहे हैं, परमानेंट को निकालने के लिए कोर्ट का अप्रूवल की जरूरत होती है, क्यों हमारी कोर्ट डोमेस्टिक इंक्वायरी नहीं की थी जिसको घरेलू जात बोलते हैं, तो कोर्ट के अंदर 3 साल बाद ये कहते हैं हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, हमारा जो जापान का स्टैंडिंग ऑर्डर है हम उसके अनुसार इनको निकाल सकते हैं। तो उस दौरान कोर्ट कहता है आपने इनका 3 साल का समय खराब किया है तो इनको 1-1 लाख रुपए का जुर्माना कर देता है, जुर्माने को भी जाके हाई कोर्ट में स्टे करवा देते हैं कि वो भी नहीं देना पड़े वर्कर को, वो भी नहीं मिलता है यहाँ पे, वो आज तक स्टे ही है हाई कोर्ट के अंदर। दो काम किया मैनेजमेंट स्ट्राइक करवाने के लिए, देखो क्या क्या, एक काम हमारी बस फैसिलिटी तुरंत बंद कर दी गई, दूसरा काम ये किया जो 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था उसको बाहर छोड़ दिया गया, बाकी को काम पे ले लिया गया, नई भर्ती करनी शुरू कर दी। फिर जो है इसका 4 दिन के बाद में दोबारा से फिर हमें स्ट्राइक करना पड़ता है, किस लिए करना पड़ता है कि एक तो हमारी बस फैसिलिटी वापस की जाए, दूसरा जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बाहर छोड़ दिया है उसको काम पे वापस लिया जाए। कंपनियों में काम करने के लिए लगभग 2017 से 18 तक मैंने कंपनियों में धक्के खाए, कोई से छोटी कंपनी में, कोई से वर्कशॉप में भी, हाँ वर्कशॉप में भी काम किया। उसके बाद में फिर एक दौर ऐसा आया मैंने ये सोचा कि अब जॉब तो हमको नहीं मिल पाएगी, खुद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने अपने खेतों में सब्जियां भी लगाई, उनको भी मंडी लगती जैसे वहाँ मंडी पे ले जाके भी बेचा, जमीन पे रोड पे बैठ के भी उनको बेचा है और इसी तरह से अब जो जमीन है उसी में थोड़ा बहुत खेती करते हैं, घर का खर्चा तो चलाना ही पड़ता है। उसके बाद में जो हमारे लीडरशिप थी उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उसको जेल में भी डाला गया, शिव कुमार सोनू गुर्जर जिस टाइम पे हमारे फर्स्ट लीडर जो थे उनको ऊपर प्रेशर बना के एक समझौता उनके सामने रखा गया, या तो आपके सामने जेल है या फिर ये समझौता है। तो उन साथियों ने जो है 30 साथियों को 16-16 लाख रुपए दे के जो यूनियन के मेंबर थे और जो हमारे एक्टिव साथी थे यूनियन के उनको निकाल देते हैं और बाकी वर्कर काम पे चला जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा कुल मिला के दोबारा फिर वर्कर यूनियन का प्रोसेस शुरू करता है। फिर 1 मार्च 2012 को हमारी यूनियन बन जाती है, झंडा लहरा जाता है, यूनियन बन जाती है, काफी वर्कर खुश थे। उसके बाद में डिमांड नोटिस दिया जाता है और डिमांड नोटिस के अंदर हमारा जो मांग था वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करने का मांग था और ठेका प्रथा को खत्म करने का मांग था। मैनेजमेंट उसमें बोलती है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आपके हिस्सा नहीं है, ये आपका यूनियन का हिस्सा नहीं है, आप इसकी बात नहीं कर सकते हो। 12 साल हो गए, 12 साल लंबे हो गए, इतने साल से लगे हुए स्ट्रगल करते रहे हैं, अभी चला हुआ है, अभी उम्मीद है कि बनेगा काम। इसके अंदर जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट ने जो खेल खेला कि लेबर डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट में तब्दील कर देते हैं ताकि मैनेजमेंट के लिए आसान हो एक ही झटके में यूनियन को भी खत्म करना और वर्कर के ऊपर अटैक करना, उसको बाहर निकालना भी आसान हो। 18 जुलाई 2012 को एक घटना को अंजाम दिया गया जिसके द्वारा 540 परमानेंट मजदूरों को हमारे पूरे कार्यकारिणी को जेल में डाल दिया गया, परमानेंट वर्कर को बाहर निकाल दिया, 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बाहर निकाल दिया और पूरा कैंपेन हमारे खिलाफ में चलाया गया और पूरी पकड़ दकड़ चलती रही, हमारे सुनने वाला कोई था ही नहीं। इतना बड़ा कांड हुआ, क्या मैनेजमेंट ने किसी को अपनी डोमेस्टिक इंक्वायरी दिखाई या दी कहीं पे भी कि हमने ये जांच की इतना बड़े कांड की और जिसका कि हम ये यहाँ पे पहुंचे हैं कि इसका कौन दोषी था, कैसे दोषी था। अभी आप मजदूरी कर रहे हैं एक दुकान पे, रेडीमेड की शॉप है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। जीवन चलने का तो यही है, बस जिंदा है, करोड़ों में जो जनसंख्या है वो बेरोजगारी में जीवन यापन कर रही है, वो जिंदा है, उसी की तरह हम भी जिंदा, दो समय का खाना कैसे न कैसे जुटा रहे हैं। आज हमने अंगर स्ट्राइक शुरू किया है, इसके अंदर हमारी मेन मांग ये है जो हमारे 540 जो स्थायी कर्मचारी थे
उनको काम पे वापस लिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे उनको काम पे वापस लिया जाए, जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे जो बना दिए गए हैं उनको वापस लिया जाए। इसके साथ में जो कंपनी के अंदर आज भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है अलग अलग कैटेगरी का जो वर्कर है उसके साथ में जो गलत प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसको ठीक से पैसा उसको नहीं मिल रहा है, छुट्टी उसको नहीं मिल रही है, उसको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, वो मांग भी हमारे साथ में है। घर वाले तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है तुम्हारा काम है करते रहो, कुछ करोगे तभी लेके कुछ ना कुछ मिलोगे। ये जो पूरा जो चीज चला हुआ है ना, जिस तरह का पूरा चीज जो चला हुआ है, इसके अंदर जो है इन 12 साल के अंदर सरकार का क्या रवैया है वो भी देखने को मिला, साथ में जो न्यायपालिका उसका रवैया क्या वो भी देखने को मिला, प्रशासन का रवैया भी देखने को मिला, जिसमें कि ये पाया गया, हाँ जिसमें कि ये पाया गया कि सब के सब जो है आज के दिन जो जापानी जो पूंजी है, जापानी मैनेजमेंट जो है जापानी पूंजी के गुलाम है। इसमें जो न्यायपालिका भी को ने भी उसको प्रभावित किया है, ये एकदम साफ है। पुलिस प्रशासन को भी प्रभावित किया है। इसका ताजा उदाहरण ये है कि कोर्ट बोलता है कि गेट नंबर 2 से, मारुति के गेट नंबर 2 से आप जो है 500 मीटर दूरी पे बैठ सकते हो, अपना धरना लगा सकते हो, जिसमें कंपनी स्टे के लिए गई थी कि 2 किलोमीटर का मेरे को स्टे चाहिए, लेकिन पुलिस जो हमें 7 किलोमीटर पहले रोक देती है, बोलती है कि आप वहां पे नहीं जा सकते हो। ठीक है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है लेकिन हम आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है धारा 144 लगी हुई है। तो ये देखने को मिल रहा है ना कि इसका मतलब क्या है कि जापानी मैनेजमेंट के आगे जो है सब झुके हुए हैं एकदम। थाने में अगर आपको जाने का मौका मिले, मानेसर थाने में जाने का मौका मिले तो वहाँ पे आपको जाके आना चाहिए। वहाँ के अंदर जो चेयर लगे हुए हैं मारुति कंपनी के लगे हुए हैं, वहाँ पे सफाई कर्मचारी वो मारुति का है, वहाँ पे जो खाना बनाने के लिए है वो मारुति का है, और प्लस में यहाँ पे जो चाय आती है खाना पीना जो आता है ये सारा जो पुलिस वाले जो खाते सब मारुति कंपनी खिला रही है। सीएसआर के नाम पर ये सब हो रहा है। प्लस में ये देखो आप, ये जो पूरा जो पैसा है, पूरा जो चीज है, ये तो मजदूरों का उत्पादन से पैदा हो रहा है, मजदूरों को कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बाकी चीजें सबको खिलाई जाएंगी, ये साफ दिख रहा है इसमें। ये थे मारुति सुजुकी के परमानेंट स्टाफ जिनको साल 2012 में बर्खास्त कर दिया गया था, मतलब टर्मिनेट कर दिया गया था। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे, इनके जीवनों में कई बदलाव आ गए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अब मजदूरी करने को मजबूर हैं और उस वक्त उनकी ज्वाइनिंग भी थी। उम्र बढ़ रही है लोगों की, बड़ी चिंता है इस विषय को लेकर भी, लेकिन इन सबके बीच में जो बड़ी बात है वो कि लोगों में एक भरोसा है आज नहीं तो कल इस जंग को जीत जाए। गुड़गांव से मैं पूनम मसीह, जन चौकी।